हे गाइस वेलकम टू पीएम पाठशाला आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं गाइस हम जैसे कि अपनी सीरीज़ हम कंप्लीट कर रहे थे यूपीएससी के जितने भी 2022 मेंस एग्जामिनेशन हुए हैं तो गाइस आज की सीरीज़ में ना हम देखने जा रहे हैं जीएस वन ठीक है जीएस वन में

को कैसे उस वक्त रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन इस बारे में है ठीक है चलिए आगे अब गाइस इसका हम सोल्यूशन देखते हैं सोल्यूशन में क्या है कि ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड गाइस इंडियन कल्चर जो था वो बहुत ज़्यादा स्कल्पचर्स को इम्पोर्टेंस देता था तो जितने भी आप उस वक्त टेम्पल देखोगे जो कि नॉर्थ में है या साउथ में है वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही स्कल्पचर्स से डेकोरेटेड रहा करते थे अब जो गए स् इन टेम्पल्स हैं वो हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं है ना तो वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में वहाँ के सोसाइटी के कैसे रिलीजियस बिलीफ होते थे वहाँ के क्लोथिंग सिस्टम कैसा था ज्वेलरी किस तरह की पहनते थे कौन कौन सी डांस प्रैक्टिस करते थे कौन से कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को गए वो प्ले करते थे तो ये सारा ना हमें सोसाइटी के बारे में डिपेंड करेगा ठीक है अब देखो नॉर्थ में अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ में हमें मोस्ट ब्यूटिफुल स्कल्पचर स्टाइल्स मिलते हैं अगर आप जाओ भुवनेश्वर की तरफ खजुराहो को में तो यहाँ पर आपको थर्टीन सेंचुरी के अंदर बहुत ब्यूटीफुली जो स्कल्पचर स्टाइल्स थे वो मिलते हैं तो जैसे एग्जाम्पल देखो जो इरोटिक्स स्कल्पचर्स होते थे खजुराहो का जो वहाँ पर जिस तरह के उस क्लप्चर्स में ज्वेलरी वगैरह दिखाई जाती थी तो मतलब ये क्या दिखा रहा है कि उस टाइम के जो लोग थे वो उस तरह की ज्वेलरीज पहना करते थे ठीक है आगे देखो सब सेम पीरियड में ना सदन अगर आप रीजन जाते हो तो आर्टिस्टिक ट्रेंड्स बहुत वहाँ पर डिफरेंट था लेकिन इतने अच्छे स्कल्पचर्स होते थे वहाँ पर एक्सीलेंस उनका तो मतलब बहुत ही अच्छा था फॉर एग्जांपल के तौर पे विजयनगर अगर आप टेंपल गए हो चेक करो विजयनगर टेम्पल का अगर तो विजयनगर टेम्पल में शार्प एंगुलर मूवमेंट कथकली डांस होता था अब देखो कथकली डांस होता है तो इसका मतलब क्या है तो ये भी एक इंप्रेशन दे रहा है कि यहाँ पर इस तरह का डांस फॉर्म होता होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी वहां पे जो प्ले करते थे तो कह रहे हैं कि बहुत सारी ना पॉपुलर स्टोरीज वगैरह भी होती थी हम्पी टेम्पल के अंदर प्रेजेंट uh, एट हम्पी सॉरी नॉट टेम्पल तो ये पॉपुलरली जो आपके टेल्स होते थे वो आपके हम्पी में प्रेजेंट होते थे वहां पर देखा जाता था कि कृष्ण बाल लीला और रामायण के पॉपुलर सीन्स देखने को मिलते थे तो मतलब समझ रहे हो सोसाइटी में ये सब चीजें चल रही हैं उस टाइम पे विद हेल्प ऑफ टेम्पल हम ये सब कुछ जान रहे हैं जाता है कि स्कल्पचर्स ये भी रिप्रेजेंट करते थे गॉड शिवा को पार्वती जो उनकी वाइफ हुआ करती थी उनका जो यूनियन था मेल एंड फीमेल का वो मैरिटल फाइटिलिटी जो दिखा रहा है तो फ्रॉम द नाइन्थ सेंचुरी ऑनवर्ड भी गाइस आए जो पालाज ने बिल्ड किए थे वो हमें ही बताते हैं कि इस टाइम पर रीजन में ये वाला रिलीजन भी फॉलो किया जाता था तो गाइज थैंक यू सो मच आगे भी हम ऐसे नई नई सीरीज लाते रहेंगे इसी तरह से आपको आंसर को अटैम्प्ट करना है थैंक यू कीप फॉलोइंग कीप सब्सक्राइबिंग